ऐसी गिग बताऊंगा जो एसईओ करके फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो सके। आप इसको तीन आर्डर लगे हुए हैं, तीन आर्डर, तीन थ्री आर्डर इनक्यू, तो आप इसकी एसईओ अच्छी हुई है, इस वजह से फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर गई है। अभी आप देखें तो ये जून 2023 में, अभी ये दो माह पहले इसने अकाउंट बनाया है, और ये देखें इसने 22 ऑर्डर कंप्लीट भी कर लिए हैं 5-स्टार रेटिंग के साथ। मैं बताता हूँ किस एसईओ करके आप फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर सकते हैं, वो सेलर है। अभी इसकी गिग देखें तो ये देखें आप फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रही है, लेकिन ये फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पेज में। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, टन होंगे। आपको एक और धमाकेदार आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेवर के ऊपर किस तरह गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो गिग्स क्या होती हैं? गिग्स एक किस्म की शॉप होती है जो हम वहां पे क्रिएट करते हैं फेवर के ऊपर। वहां पे क्लाइंट आते हैं जो हम सर्विस दे रहे होते हैं, वहां पे उसके बारे में हमने बयान करना होता है, लिखना होता है। और मैं आपको ऐसी गिग बताऊंगा जो एसईओ करके फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो सके। प्यारे दोस्तों, जब आप गिग्स को फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक नहीं कर पाएंगे तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। मजा आया। तो इससे पहले मैंने कहा था कि आप फेवर के ऊपर किस तरह अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप अपनी गिग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और मुकम्मल बताऊंगा एसईओ करके। पूरी वीडियो को बात करना है। हाँ, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल मिस्टर सी अजवे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। ऐसी ऐसी सर्विस बताएंगे हम आपको जहाँ पे लोगों को ऑर्डर भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, बेताश ऑर्डर मिल रहे हैं। और इस वीडियो के में मैं आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा, आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है, कहीं से कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप किया तो आपको आप जी जो गिग है वो आपको एसईओ नहीं कर पाएंगे। तो हम आखिर में जो इमेज है वो भी बताएंगे कि इमेज जो होनी चाहिए वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप गिग क्रिएट कर सकते हैं। चलो चलते हैं। गूगल के अंदर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे fever.com, लिखने के बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये आप देख सकते हैं, जैसे ही आपकी प्रोफाइल बनी होगी, अकाउंट बना होगा, तो आपके साथ यहाँ पे आपकी पिक्चर लगी होगी, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, कर लें। या नीचे आप लिखा हुआ है बीकॉम ए सैलर, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे, बीकॉम ए सैलर के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आपने नीचे आना, स्क्रॉल करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप फिर ये कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेंगे, ये सारी चीजें आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, और फिर से वो क्लिक करेंगे, फिर ये कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, सारा प्रोसेस कर चुके हैं। ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो में हमने बताया था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिर दोबारा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे उसको फिर क्लिक करेंगे, और फिर क्लिक कर देंगे फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे, और डन कर देंगे। ये सारी चीजें मैंने बता चुका हूँ आपने पिछले में, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे करना है गिग्स क्रिएट। गिग्स किस तरह करनी है एसईओ करके, मुकम्मल बताऊंगा आपको मैं किस तरह आप एसईओ करके गिग फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर सकते हैं। हमने ऐसी गिग बनानी है कि जिसमें कंपटीशन कम होगा और लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और ताकि आपको ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा मिले। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा, यहाँ पे हमने मैं राइटिंग की जो स्किल है उसको चूज किया हुआ है। अगर आप राइटिंग स्किल में जाते हैं, आप ग्राफिक डिजाइन में जाना चाहते हैं, वेब डिजाइन में जाते हैं, वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग में, या इसके अलावा किसी और चीज में जाना, तो आप उसी के रिलेटेड गिग कर सकते हैं। आपने किस तरह करना है ये मैं आपको बताता हूँ, किस तरह एसईओ करके आप फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हैं। जैसा कि डैशबोर्ड ये सकते हैं, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो है। आप देखेंगे राइटिंग ट्रांसलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आप आ जाएंगे। ये देखें आप यहाँ से कोई भी, जब मैं केस स्टडी के ऊपर क्लिक करता हूँ, केस स्टडी के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ से आप देखें अभी यहाँ पे कंपटीशन देखें 3,322 का कंपटीशन है। बहुत ही कम सेलर है ये सर्विस दे रहे हैं। यहाँ से भी आप ये देखें, यहाँ सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये जो चीजें बता रहा हूँ कि आपने उसको फॉलो करना है, मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है, कहीं से कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। कम सर्विस लोग बैठे हैं अभी, ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये जो है लेवल 2 का सेलर, ये भी न्यू सेलर। हम इसकी गिग को ओपन कर लेते हैं, मैं इसकी गिग को ओपन कर लेता हूँ। है दोस्तों, जैसा कि मैंने इस सेलर को ओपन किया है, अभी ये न्यू सेलर है। अभी इसकी गिग देखें तो ये देखें आप फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रही है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं केस स्टडी के रिलेटेड है, लेकर इसको देखें यहाँ पे कंपटीशन भी है 1332 का था, बिल्कुल कम कंपटीशन था, लेकिन ये फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पेज में फर्स्ट रो में रैंक करी, इसलिए हमने इसको ओपन किया है। अभी मैं ये बता दूं यहाँ पे इसको तीन ऑर्डर लगे हुए हैं, थ्री ऑर्डर इन क्यू, तो इसकी एसक्यू अच्छी हुई है, इस वजह से फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर गई है। अभी आप देखें तो ये जून 2023 में, अभी ये दो माह पहले इसने अकाउंट बनाया है, और ये देखें इसने 22 ऑर्डर कंप्लीट भी कर लिए हैं 5-स्टार रेटिंग के साथ है। इसने 2 आवर पहले इसने डिलीवरी दी है। अभी हम देखेंगे इसने गिग्स की किस तरह एसईओ की है। किसी भी गिग्स के टाइटल को हूबहू कॉपी नहीं करना, ये आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह आपने ये करना सारा कुछ। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपने भी इस तरह कॉपी करना है। ये कॉपी करने के बाद मैं बता दूं किस तरह एसईओ करके आपने फर्स्ट पेज के ऊपर गिग को रैंक करना है। ये चीजें जो बतानी है मैंने, किसी चीज को मिस नहीं करना, आपने जुड़े रहना है हमारे साथ। यहाँ पे आने के बाद मैं देखो यहाँ पे हमने जो पहले ओपन किया था, मैंने दिखाया था, यहाँ पे देखें यहाँ पे टाइटल, ये गिग टाइटल है, यहाँ पे उसको आपने पेस्ट कर देना कंट्रोल वी करके। अभी हमें यहाँ से चेंज करनी है, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई विल, तो आएगा ही आएगा यहाँ पे राइट आई विल राइट सर्च एंड समरी राइटिंग एस ए केस स्टडी पेपर बिजनेस एंड रिपोर्ट, ये हमने लिख लिया, ये हमने चेंजिंग कर ली इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ से हम फिर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी हमारी जो है राइटिंग ट्रांसलेशन की है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देखेंगे हमने कौन सी सर्विस किसके रिलेटेड देनी है, आर्टिकल ब्लॉक के रिलेटेड देनी है, ट्रांसलेशन के रिलेटेड देनी है, ये सारी चीजें इसमें से मैं आपको बता दूंगा आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। टेक्निकल राइटिंग है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मैं आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आप ये टॉपिक है, लैंग्वेज है, पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, सबसे पहले आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर लेनी है इंग्लिश। उसके बाद आप कोई और लैंग्वेज भी सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, कि अगर आपको जिससे गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सके आप आसानी से ये काम कर सकते हैं, फ्रेंच कर लें, जर्मन कर लें, ठीक है ना। इसी तरह आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है, आपका जो आप राइटिंग करें वो किस रिलेटेड होंगी, भी हम लिख लेते हैं आर्टिकल के रिलेटेड, आप कोई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, जो जिसकी डिमांड है मैं तो उसकी चीज का बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसके बाद टोन के बारे में कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल होगा हमारा, ठीक है, और इसके अलावा मोटिवेशनल होगा, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपने आर्टिकल टाइप कर दें, ठीक है, ये इसमें कौन सा लॉन्ग टर्म करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद रिसर्च आर्टिकल होगा, प्रमोशन होगा, सारा कुछ, ठीक है ना, ये सारा चीजें सिलेक्ट होगी। अभी यहाँ से बात है सर्च टैग, टैग हमने वो देने हैं जो टैग लोग सर्च कर रहे हैं, गूगल जो है ना फेवर की सर्च बार में अगर सर्च करते हैं, जैसे यहाँ से यह फेवर की सर्च बार है जहाँ पे जो चीज सर्च की जाती है वो हमने लिख रहे हैं, लिखता हूँ, ठीक है, रिसर्च मैंने लिख लिया। अभी इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूं, ठीक है। अभी इसके बाद आपने राइटिंग लिखना है, राइटिंग, अभी आप देखें यहाँ पर लिख रहा है राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, बुक राइटिंग, बिजनेस राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ये देखने यहाँ से भी कर सकते हैं आप, लेकिन हमने अपने टाइटल को फॉलो करना है, तो टाइटल हमने दिया हुआ है समरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग। अभी ऐसे की हमने बात नहीं की, यहाँ पे ऐसे भी लिखेंगे, ये टैग हैं, ये हमें मदद देते हैं जो हमारी गिग को फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करने में। अभी ऐसे के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, अभी केस स्टडी भी है हमारी जब वहां पे, तो केस स्टडी हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें केस स्टडी भी है, ठीक है ना, स्टडी ये है। इसी तरह आप केस स्टडी को क्लिक करेंगे, इसके बाद जो चीजें रिपोर्ट है, बिजनेस है, ये चीजें हम रिपोर्ट, ठीक है, देखिए रिपोर्टिंग लिखा हुआ है, रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमें फेवर खुद सुगेस्ट कर रहा है भी आप ये चीजें यहाँ पे डालें, कौन सी जो हमारी ऊपर यहाँ पे फिट आ रही है। अभी यहाँ देखें बिजनेस राइटिंग है, ये आ रहा है, क्यों लिखा है हमने, ये देखेंगे आप यहाँ पे बिजनेस का लफ्ज हमने कीवर्ड यूज किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे बिजनेस का, तो हम मैक्सिमम 5 यहाँ पे जो है टैग लगा सकते हैं, हमारे ये 5 जो टैग हो चुके हैं, तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 5 टैग कर, उसके बाद सेव अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे आप, क्लिक करने के बाद ये आ गए आपके पास, आपको यहाँ यहाँ पे आपने प्राइस सेट करनी है, आप मिनिमम प्राइस $5 सेट करें ताकि क्लाइंट हमारे पास ज्यादा है, बाद में आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखना है पैकेज के आपने, अभी यहाँ पे हमारे पास 3 पैकेज होते हैं, यहाँ पे आप एक ही बढ़ा सकते, लेकिन हम यहाँ पे 3 सकते, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। यहाँ पे मैं आपको पहले सबसे पहले बेसिक का नाम आप सिलेक्ट करेंगे, बेसिक, उसके बाद स्टैंडर्ड, ठीक है, उसके बाद प्रीमियम, ठीक हो गया, ये हमारे 3 पैकेज हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है ना, भी हम जो सर्विस दे रहे हैं उसमें हम बेसिक में हम क्या देंगे, स्टैंडर्ड में हम क्या देंगे, प्रीमियम में हम क्या देंगे, इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। मैं आप इससे आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, डिलीट हो सकता है, ये इससे आपने बचना है, तो कंट्रोल भी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, आपको बताता हूँ किससे आपने फिर आगे इसके अंदर चेंज करनी होगी। मैं लिखता हूँ आई विल राइट राइट 1000 वर्ड्स, ठीक है ना, करते हैं यहाँ पे आगे इसके आ जाते हैं, यहाँ पे हम इसको मारते हैं कंट्रोल वी,
उसके यहाँ पे कंट्रोल भी मार देते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आपने 2000 कर लेना है इसको, जो हमारा स्टैंडर्ड पैकेज होगा 2000 में होगा, और जो प्रीमियम होगा उसमें हम 3000 कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह आपने सेलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ ऊपर आपने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम हमने पैकेज के नाम, आप और भी नाम को रख सकते हैं, ठीक है ना। अभी ये डिलीवरी है आपने वन डे रखनी है, वन डे में से भी कोई सी क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको जल्दी काम चाहिए, तो वन डे में चार ये आपको 2 घंटे में एक आर्टिकल लिख के कोई भी आप कंटेंट किसी भी टॉपिक पर लिखकर दे देगा, तो आपको ये वन डे आप सेलेक्ट करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आए जिनको जल्दी काम चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे वन डे कर लें, ठीक है, यहाँ पे आप 2 डे कर लें बस, इससे ज्यादा नहीं करना आपने। और ये चीजें आपको मैं अपने एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत जल्द ऐसे क्लाइंट भी मिलेंगे जिनको कल जल्दी काम, तो आप ये तो आप आसानी से काम करेंगे। आप वर्ल्ड इंक्लूड, आपने कितने वर्ल्ड हमने इंक्लूड किए थे, आपने यहाँ वहाँ पे बेसिक हमारे में 1000 था, स्टैंडर्ड में हमारे 2000 थे, प्रीमियम हमारे 3000 थे, ठीक है ना। उसके बाद आपने रिविजन, यहाँ पे बात रही थी कि आप अगर आप काम ठीक नहीं क्लाइंट करेंगे दोबारा ठीक करके, तो आप अनलिमिटेड कर देंगे, हम जब तक वो कहेगा चाहेगा हम उसको ठीक करके देते रहेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें ये पूछा ये हमने यहाँ पे सेट। उसके बाद आ जाता है ये टॉपिक रिसर्च है, ठीक है, हमने तीनों के ऊपर टिक कर लिया है। अच्छा SEO कीवर्ड, हाँ बिल्कुल ओके है, तो कीवर्ड रिसर्च है बिल्कुल, ये हमें सारी टिक कर लेनी है। ये यहाँ पे प्राइस मिनिमम हमने $5 सेट करनी है, ठीक है ना। $5 भी बहुत है, अभी आप देखें ज़्यादातर रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया पाकिस्तान में, अभी 300 के करीब पहुँच चुका है, तो आप मिनिमम रखें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आएंगे। जब आपके क्लाइंट ज़्यादा हो जाए तो आपको कोई लेवल शेवल मिल जाए तो आप प्राइस बढ़ा भी सकते हैं। $5 कर लिया, यहाँ से आप $10 कर लें इसको, और जो प्रीमियम है 20 कर लें, ये होगा ठीक रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे स्पॉन्सर करने के लिए हमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं ऐड करने की, ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद नीचे आएंगे आप, यहाँ पे लिखा है सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर, आप यहाँ पे क्लिक कर देना आप। अभी तो प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन का भी बहुत अहम किरदार होता है किसी भी चीज की फर्स्ट पेज में रैंक करने में। यहाँ पे हमने वो कीवर्ड यूज करने हैं जो हमने टाइटल और टैग में यूज किए थे, वही कीवर्ड दोबारा हम यूज करें, ताकि जो भी कोई भी क्लाइंट या बायर आए जब सर्च करे तो हमारे जो कीवर्ड है उसमें अंदर हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आपने जो आपने टाइटल दिया था ना, टाइटल को हूबहू कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन में आ जाना है, यहाँ पे उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद उसको बोल्ड कर लें, यहाँ से बोल्ड कर लें, और ये फ्लैश मार दें, ठीक है ना। ये आ गया, ये वाजे हो गया। अभी ये यहाँ पे जो फेवर के अंदर ये सारा कमाल SEO का होता है और कीवर्ड का कमाल होता है, जो सर्च किए जाते हैं। जैसे अब क्लाइंट हमारी जो राइटिंग के मुतल्लिक थी, तो यहाँ पे जब कोई बंदा सर्च करेगा, समरी सर्च करेगा, ऐसे सर्च करेगा, केस स्टडी करेगा, पेपर बिजनेस रिपोर्ट सर्च करेगा, तो हमारी कीवर्ड द्वारा नहीं होंगे, तो हमारी इसलिए गिग ऊपर आएगी, फर्स्ट पेज पर आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे करने के बाद हम यहाँ पे नीचे लिखना है, अभी यहाँ पे हमने ऐसे कीवर्ड को घुमा फिरा कर लिखना है ताकि ये बार बार रिपीट हो, ठीक है ना। अभी देखें, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी इन्होंने लिखा हुआ है समरी, केस स्टडी, ये सारे जो अल्फाज बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे भी इसी तरह मांगे हम, प्लीज सेंड मी मैसेज ऑन फेवर, ठीक, और ऊपर कर लेते हैं। अभी ये जो लफ्ज कुछ अल्फाज हैं वहाँ से बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारे, ठीक है ना। अभी ये चीज़ें हैं, ये हमने ऐड करने के बाद आप सेव अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे अभी हमने एक क्वेश्चन ऐड करना है। क्वेश्चन इसलिए ऐड करना है कि क्लाइंट जो आएगा हमने उससे पूछना है, तो देना अपने टॉपिक के बारे में, जो चीज़ आप करवाना काम करवाना चाहते हैं उस टॉपिक हमें दे दो, तो ऐड क्वेश्चन हमने लाजमी ऐड करना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आई वुड क्वेस्ट प्लीज सेंड मी डिटेल ऑफ योर वॉइस टॉपिक, ठीक है ना। हमने उससे कहा भी, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि ब्राय मेहरबानी हमें अपनी कोई भी अपनी मर्जी का कोई टॉपिक हमें सेंड करें जिस पे आप लिखवाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है, ऐसे है, आर्टिकल है, ब्लॉग है, कंटेंट राइट, जो भी करना चाहता है वो हमें सेंड करें काइंडली, ठीक है ना। ऐड हम कर लेते हैं इसको, सेव अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अभी दोस्तों हमारे पास लास्ट ऑप्शन स्टेप रह गया है, वो हमने करना है अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए गैलरी, जो पिक्चर जो तस्वीर है इसका बड़ा रोल होता है इसके अंदर। जहाँ आप अट्रैक्टिव तस्वीर लगाएं, ऐसी तस्वीर पिक्चर लगाएं कि जो भी क्लाइंट है वो आपको क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देखें ना, अभी ये केस स्टडी की बात करें हम, ये कीवर्ड जो है केस स्टडी, यहाँ पे ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं ये देखें, इनका बड़ा रोल होता है। ऊपर जो इनके उन्होंने तस्वीर लगाई हुई लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे फला फला फला, यहाँ पे जर्नलिस्ट लिखा हुआ है, ऐसे राइटिंग, समरी राइटिंग, सर्च आर्टिकल, ये ऐसी खूबसूरत आपने तस्वीर स्मैलिंग फेस में लगानी है वहाँ पे, तो जहाँ से आपकी जो भी बायर आए सेलर है वो आपकी गिग के ऊपर क्लिक तो करे ना, क्लिक करेगा तो आपको ऑर्डर देगा ना, इसका तो हवा में ऑर्डर थोड़ी देना उसने, तो यहाँ पे क्लिक करके वो ऑर्डर देगा। तो इसलिए आपने बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर बनी। मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप तस्वीर बना सकते हैं, तो मैं तो फोटोशॉप में बनाता हूँ। अगर आप फोटोशॉप के अलावा आप PPT फाइल जो है, प्रेजेंटेशन फाइल है, MS भी हो, तो उसमें आसानी से बना लेते हैं, या किसी से बनवा लें, जो भी ग्राफर डिजाइनर जो आपके जानने वाला कोई भी ऐसा किसी से बनवा लें, एक खूबसूरत सी तस्वीर
इसको आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे शो होगी पिक्चर वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अभी किस तरह आपने ये करना है। ये आपको सिर्फ बताने का मकसद यह है कि ये तस्वीर यहाँ अभी ये यहाँ पे आप तीन पिक्चर ऐड कर सकते हैं, देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ना, इमेज अप टू थ्री पिक्चर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आपने ये किस तरह करनी है मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी खूबसूरत अट्रैक्टिव तस्वीर बनाकर अपने लैपटॉप में सेव करके रखी हुई है। अब मैं इस तस्वीर को अपलोड करता हूँ। मैं ब्राउज के ऊपर क्लिक करूंगा और ये तस्वीर उठाऊंगा, जहाँ मेरी तस्वीर पड़ी है मैं उस तस्वीर को उठा लूंगा। तो आप इस तरह करेंगे, ये अब तस्वीर अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह आपने भी खूबसूरत ट्रैक्टर से तस्वीर बना लेनी है और बनाकर उसको इसी तरह अपलोड करना है, ठीक है पहले दोस्तों। बस तस्वीर खूबसूरत होनी चाहिए। आप मजीद तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं, मजीद कोई तस्वीर ऐड करना चाहिए दोबारा वो कर सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तीन तस्वीर लगानी है, कोशिश करें तीन लगाएं। नीचे आप वीडियो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे या वीडियो भी लगा सकते हैं। और नीचे आप पीडीएफ के अंदर भी दो फाइलें मजीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक ऐड होगी हमारी, ये अपनी फ्रंट पे शो होगी तो कोई इशू नहीं है। आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें, स्किल टेस्ट इसमें आ रहा है, ये देख रहे हैं टेक टेस्ट लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें लाजमी हैं, ये करनी होती हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में आते तो वहाँ पर आपको टेस्ट नहीं देना पड़ता, आप राइटिंग या गेस्ट पोस्टिंग ब्लॉगिंग इनकी सर्विस देंगे, ट्रांसलेशन की देंगे तो वहाँ पर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप वर्ड प्रेस की जाएंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग में जाएंगे तो वहाँ पर टेस्ट नहीं होता, ये टेस्ट होता है, इंग्लिश स्किल टेस्ट होता है। ये हमने करके बताएंगे, हमारे पास राशिद भाई हैं, वो करेंगे इस टेस्ट को, वो उनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी इंग्लिश है, तो ये भी आपने करना है। उसके बाद ये लिखा हुआ आर यू एज ए यूएसए पर्सन, हम यूएसए पर्सन नहीं है, हम पाकिस्तान से हैं। अगर आप होंगे यूएसए से होंगे तो आपने यस करना है, अगर नहीं तो नो करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से नो कर देंगे। तो इसको सेव कर लेंगे आप यहाँ से, ठीक है ना, और क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपने कर ली। अभी पब्लिश की हमारी इसलिए नहीं हुई कि हमने यहाँ पर टेस्ट देना है, टेक टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसके ऊपर आप क्लिक करके बताता हूँ, ये भी बताऊंगा कि आप ने किस तरह, ये देखें अभी ये यूएस इंग्लिश बेसिक स्किल टेस्ट आ गया, सारा कुछ ही उन्होंने हमारी टेस्ट सिलेबस भी बता दिया, ये सारा पंक्चुएशन का जो ये आप आसानी से करके काम कर सकते हैं। ये अभी स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हम, टेस्ट ये हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरह टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, किस तरह आप इसको दे सकते हैं, ये सारा प्रोसेस हम अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक हमें जाती है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल के साथ शेयर करें, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से हम आपका आपके लिए मुकम्मल फाइबर के रिलेटेड कोर्स ला रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंशाल्लाह। मुकम्मल फाइबर से आपको अर्निंग तक, पहुंच बनाने से लेकर अर्निंग तक हम आपको मुकम्मल तक बताएंगे। मिलते हैं अल्लाह हाफिज़।